कितनी टेस्टी बनी है और बहुत ही सुंदर डिजाइन मैंने बनाया है। और दोस्तों, ये मिठाई बनाते टाइम एक चीज आप ध्यान रखें, जब भी इस तरह की बिस्किट से कोई भी मिठाई बनाए तो उसका जो डो लगाते हैं उसको तुरंत ही आप बना लें। अगर थोड़ी देर भी आप रख देंगे तो सारा डो बिल्कुल जम जाएगा और सारी मिठाई खराब हो जाएगी, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अपनी रसोई में। और आज दोस्तों, मैं झटपट से बनने वाली एक मिठाई की रेसिपी लाई हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं ये किस तरीके से मैंने बनाई है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की रेसिपी है हमारी स्वीट डिश, जो मैं बिस्किट से बनाऊंगी और जो बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है। इसमें ना गैस की ज़रूरत है, ना कढ़ाई, ना कुकर, ना माइक्रोवेव, किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो उसके लिए मैंने ये दो ओरियो बिस्किट लिए हैं और ये मैंने सनफीस्ट का एक पैकेट बिस्किट लिया है। तो सबसे पहले मैं दोनों बिस्किट को अच्छे से मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेती हूँ। ये दोनों बिस्किट का मैंने इस तरह से ग्राइंड करके एक पाउडर सा बना लिया है। और ग्राइंड करने के बाद इसको मैंने छलनी से छान लिया है, क्योंकि जो मोटा पार्ट होता है वो निकल गया है और उसके वजह से हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही स्मूथ बनेगी। तो अब हम एक प्लेट में सबसे पहले जो हमारा ये वाइट वाला पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे। ये मैंने बिस्किट का पार्ट निकाल लिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपनी मिठास के अनुसार डाल लें, जितना आपको मीठा पसंद है, क्योंकि इस बिस्किट में हल्की सी मिठास होती है और ओरियो वाले बिस्किट में काफ़ी मिठास होती है, उसमें बीच में क्रीम भी होती है। और ये मैंने क्रीम ली है, इसको मैंने अच्छे से मेल्ट करके और छलनी से छान लिया है, इसलिए ये दूध के फॉर्म में आ गई है। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक डो की तरह इसको बना लेंगे। देखिए, मैंने ये डो बना लिया है और ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है। तो जो मलाई ली थी उसकी जगह पे आप मिल्क ले सकते हैं और इसमें आप घी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर नारियल भी डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, तो इसी तरह से मैं ओरियो वाला भी डो बना लेती हूँ। तो अब मैंने ये दूसरा बिस्किट लिया था और इसमें मैंने चीनी आधा चम्मच डाली है, क्योंकि इसमें पहले से भी मिठास होती है। अब हम इसमें भी थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और इसका भी एक डो बना लेते हैं। दूध आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है। मेरे दोनों डो तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डो को उठाकर और हाथों की हेल्प से इस तरह हम इसको पतला पतला कर लेंगे। घी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मलाई भी हमारी बहुत कम इस्तेमाल हुई है, काफ़ी बच गई है। तो इसको भी हम हाथों की हेल्प से इस तरह से हम लंबा लंबा कर ले रही हूँ। और लंबा लंबा करने के बाद मैं छोटी छोटी इसकी गोलियाँ कट करूँगी। अब इसको मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बराबर बराबर इस तरह से काट लेंगे। ये मैंने इस तरह से गोलियां बना ली हैं और मैंने ये 6 गोलियां ली हैं। तो आपको क्या करना है, 3 गोली इस कलर की लेनी है और 3 गोली दूसरे कलर की लेनी है और इस तरह से रखना है और आपस में धीरे धीरे इस तरह से पास लाना है। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है इस तरह से, पास लाके इसको उठा के इस तरह से आप हथेली पर रखोगे। और हथेली अगर आपकी चिपक रही हो तो आप इस तरह से दूध लगा लें या फिर क्रीम लगा लें, घी लगा लें, कुछ भी लगा लें और इस तरह से दबाते हुए इसको इस तरह से घुमाते हुए बनाना है। इस तरह से आपको हाथों से घुमाते हुए एक पेड़े का आकार देना है और इसको इस तरह से बनाने के बाद हल्का सा इस तरह से पुश करना है। अब इसी तरह से मैंने ये सारी मिठाई बना ली है। अब हम इसमें से कोई भी एक मिठाई उठाएंगे और ये मैंने जो जिससे पूड़ियाँ वगैरह सेकते हैं वो झारा लिया है
तो इससे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे और रखने के बाद हल्के हाथों से इसको इस तरह से दबा देना है। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन आया है। और इसी तरह से मैं सारी मिठाई बना लेती हूँ। बहुत ही अच्छी डिजाइन लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चे हो बड़े हो सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो लीजिए दोस्तों, झटपट से हमारी मिठाई बनके तैयार है और ये मिठाई सिर्फ 20 रुपए में बहुत सारी बन जाती है और सभी को पसंद आती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं दोस्त। तो दोस्तों मिठाई को आप एंजॉय कीजिए और झटपट से बनाइए। तो अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।